तो मैंने अभी गोल्फ कार्ट बुक कर ली है, लकली मुझे पीछे की सीट मिल गई है। तो गोल्फ कार्ट में एक ऑप्शन अच्छा है कि आपको इतना पैदल नहीं चलना पड़ता, जहाँ पे जो भी स्पॉट्स होते हैं आपको वो वहाँ पे लेके चले जाते हैं, तो इजीली एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत बड़ा है साइंस पार्क, और पैदल चलते चलते ही आप थक जाओगे। तो एंड सिंस हमारे पास टाइम कम है तो हम जल्दी कवर करना चाह रहे हैं। अभी हम अपने पहले पॉइंट जा रहे हैं, विच इज़ द आईमैक्स थिएटर आई गेस। दिस शोज़ द मैप ऑफ दिस एंटायर साइंस सिटी। और यहाँ पे आके आपको जो आपकी कॉम्बो टिकट है वो दिखा के जो एक्चुअल टिकट है वो मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप कॉम्बो टिकट नहीं भी लेना चाहते हो तो 50 रुपीज़ वाली एंट्री टिकट लेके आप इजीली यहाँ से भी परचेज कर सकते हो टिकट्स को। बट वो क्या होता है, ये टुकड़े टुकड़े में लेने में थोड़ी महंगी पड़ेंगी। दैट इज़ द थिएटर। ये लाइन है अंदर जाने के लिए। हमारा जो शो है वो 1 से 2 वाला है। अभी 12:46 हो रहा है, सो लाइन में लग चुके हैं। काफ़ी अच्छी खासा क्राउड है। लेट्स होप एक्सपीरियंस इज गुड। हेलो वंडरर्स, कैसे हो? टुडे वी आर हैविंग आवर डे 2 इन अहमदाबाद, और हमने अपना डे स्टार्ट किया बाय एक्सप्लोरिंग द साइंस सिटी अहमदाबाद। साइंस सिटी अहमदाबाद से पड़ता है अराउंड 12 किलोमीटर्स दूर, मतलब नॉट फ्रॉम अहमदाबाद, ये है अहमदाबाद के अंदर, लेकिन सिटी सेंटर है जो जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है या जो सेंटर ऑफ द सिटी है उससे 12 किलोमीटर दूर पड़ा है हमें। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि हमने एक कॉम्बो टिकट लिया है जो कि वीकडेज पे होता है 500 रुपीज़ का, वीकेंड्स पे होता है 700 रुपीज़ का। सो वी टुक द 700 रुपी टिकट। उसमें काफ़ी सारी यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं, ऑफ विच वन ऑफ देम है 3D मूवी इन द आईमैक्स थिएटर। तो अभी हम अपनी मूवी इंजॉय करके आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पे गोल्फ कार्ट हायर कर लिया है जिसकी हमें 70 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगी है, एंड इट इज़ लाइक ए हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस कि आप अलग अलग जगहें जो यहाँ की हैं उनको आराम से एक्सप्लोर कर सको। इसलिए 70 रुपीज़ इज़ नो बिग डील, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, पैदल चलने अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट आईमैक्स हो चुका है, अब हम अपने गोल्फ कार्ट वाले भैया को पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है। अब आप साथ साथ चलते हैं। Now we are going to another ride. इसकी लाइन पीछे ही है। आ जाओ, काफी लंबी लाइन है, देखते हैं क्या होता है। We are going to the next stop called the Nature Park. Actually, problem ये आज संडे है, यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट बहुत बेकार है। हम अभी 12:30 बजे से आए हुए हैं, अब बज रहे हैं कुछ 4, और हम सिर्फ 3 राइड्स ही कवर कर पाए हैं, बिकॉज राइड्स के लिए क्राउड मैनेजमेंट है बहुत ही बेकार है। ऊपर से इतनी गर्मी में देयर नॉट इवन अ फैन इन द वेटिंग रूम, ये फॉरगेट अबाउट एयर कंडीशनर्स। द
अभी देखते हैं ये क्या निकलता है, कुछ है बहुत वॉचिंग या नहीं। वो तो एक मैमथ बना है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, हम प्लान करके आए थे कि आधे दिन के लिए हम यहाँ रहेंगे, बट इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है हर चीज़ में तो ऑलमोस्ट हमें पूरा दिन ही होने वाला है। अभी जस्ट प्लानिंग के फूड कोर्ट जाके कुछ खा लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ खाया भी नहीं है। इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है वेट करके, फॉरगेट अबाउट एंजॉइंग द थिंग्स। वेटिंग पीरियड इतना हो रहा है कि हर जगह से इरिटेशन ज़्यादा होने लगी है, बट ठीक है। ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग है। कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भूल ही जाओ। इवन जो 3D ग्लासेस यहाँ यूज़ हो रहे थे उनको भी बार बार यूज़ किया जा रहा है हमारे सामने, वो सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। वी आर ऑन द नेक्स्ट स्टॉप ऑन प्लैनेट अर्थ। पीस में क्या है देखते हैं अंदर जाके। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रही कि हमने टिकट पूरी ले ली एक बार में। Another line called the earthquake experience. है क्या टिकट? अर्थक्वेक एक्सपीरियंस है। ये बहुत पहले का मॉडल है जो कि मतलब मॉडल पहले का नहीं है, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, किस तरीके से अर्थ इवॉल्व हुई थी। सो ये अपेरेंटली ये वाला इंडिया का पार्ट है, ये पहले अफ्रीका लैंड से जुड़ा हुआ था और फिर धीरे धीरे शिफ्ट होके वो उस एशिया वाली प्लेट में टकराया था। तो अभी जो हमारे हिमालयस बने वो इसी कोलिजन से बने थे और ये सारे पार्ट्स अलग हुए थे। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वो रहा आपके, दिस इज एंटार्क्टिका, और ऊपर वहाँ नॉर्थ अमेरिका एंड दैट्स यूरोप एंड एशिया। तो ये इंडिया की जो प्लेट है वो जाके यूरेशिया प्लेट में कोलाइड हुई थी, तब जाके इंडिया बना था। यू सी दिस इज द इशू हियर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। What is this? क्या चीज़ है, बस गोल गोल घूम रही है। जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट्स कॉल्ड द रोबोटिक्स गैलरी। दिस ह्यूज स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट हियर। एक छोटा सा रोबोटिक है, अनदर वन हियर। अभी हम अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या है। And
अभी आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर, वर्चुअल रियलिटी रोबोट एक्सपीरियंस करना है एंड दिस इज हाउ द रोबोटिक्स गैलरी लुक फ्रॉम अप। ये कुछ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, नीचे बॉट्यूलिटी रूम्स हैं जहाँ पे रोबोटिक्स में यूज़ होने वाली अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। देयर इज अ सुवेनियर शॉप राइट देयर। और ये क्या है, ये इंडो बोट्स, इंडिया में बनाए हुए बोट्स आई गेस। सो अभी इसके अंदर जाके देखते हैं। ये अलग अलग जो रोबोट फेस्ट होते हैं उनमें बनाए गए रोबोट्स हैं जो कि यहाँ डिस्प्लेड हैं। एंड फाइनली पहली ऐसी जगह लगी है जहाँ पे एसी ढंग से काम कर रहा है यहाँ का। अदरवाइज हर जगह इतनी गर्मी हो रही है, इतना इरिटेशन हो रहा है। प्रांशु लाइन में लगे हुए हैं, मैं भी जाके लाइन में लग जाती हूँ। Worth a snap. अभी हम आए हुए हॉल ऑफ स्पेस में, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हो रखा है। सोलर सिस्टम है, चंद्रयान, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब धीरे धीरे हम चल के देखते जाते क्या क्या है। दिस यू मे सी इज द क्यू टू मंगलयान, कुछ ऐसा है ये। अभी अंदर जाके, जैसे अभी हम एक थ्रिलर राइड पे गए थे उसी तरीके का कुछ लग रहा है सुनने से तो।